हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एम जे एविएशन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो आई गॉट वन मैसेज ऑन इंस्टाग्राम पेज विच इज़ एम जे एविएशन। आई हैव गॉट वन मैसेज विच इज़ आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो। आप अभी स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक वीडियो देखेंगे, इसके नीचे एक वीडियो आएगी जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। बट एक मैसेज और मुझे रिसीव हुआ था, उन्होंने बोला है कि एज अ फ्रेशर हम कैसे इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो रिजेक्ट हुई हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर लाइक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अगर आप रिजेक्ट होते हो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है सिलेक्शन के लिए। ओके, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी ना घबराएं। तो उनके लिए या फिर मैंने बहुत काफ़ी सारे लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाई हैं जिसके लिए नेसेसरी हो, तो आप उनको भी ये वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। इवन जो भी इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, डजेंट मैटर वो एविएशन का इंटरव्यू हो, काफ़ी सारे जितनी भी इंडस्ट्री हैं तो उसमें ऑलरेडी वन क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, विच इज़ हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में ही आपको वीडियोस बताऊंगी। वीडियो है ये इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो मैं आपको कुछ टैप्स भी बताऊंगी कि आप किस किस टैप से आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड आई वुड लाइक रिक्वेस्ट जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी न्यू है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट फर्दर अपडेट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिगिन विद अ वार्म ग्रीटिंग। हेलो एवरीवन, आई एम एंड माय नेम इज एंड थ्रिल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्साइटिंग जर्नी। ओके, तो आपको एकदम ग्रीटिंग्स के साथ में एकदम कॉन्फिडेंट होकर आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। एज अ फ्रेशर होता है कि एज अ फ्रेशर जो भी कैंडिडेट जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, और नर्वस होना भी ठीक है, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो एज अ फ्रेशर ही जाएंगे, बट आप इंटरव्यूज देंगे, डोंट वरी अगर आप रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर दीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आएंगे, अगर एक में नहीं होता है तो आपका दूसरे में सिलेक्शन होगा, तो आपको इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी है। तो बिगिन विद अ वार्म ग्रीटिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिस, ठीक है। उसके आगे हम आगे बताते जाएंगे। हाईलाइट अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके बारे में बताना है, ठीक है। लाइक आई हैव अ पैशन फॉर, यहाँ पे कोई भी पैशन हो आपका वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। कंक्लूड विद ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग टू नो ईच ऑफ यू बेटर। ये मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया कि किस तरीके से इंटरव्यू जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। आप पहले ग्रीटिंग्स करेंगे, देन उसके बाद में आप आपका नेम बताएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे, देन उसके बाद में आप अपने बारे में बताना शुरू करेंगे कि आपके ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, आपका ट्वेल्थ आपने कहाँ से किया है, ठीक है। देन कंक्लूड किस वे में करना है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट भी इसी वीडियो में दे दूँगी। कीप इट ब्रीफ एंड पॉजिटिव हेल्प्स मेक अ मेमोरेबल फर्स्ट इंप्रेशन। आपको नो नीड टू बी डिमोटिवेटेड, अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। एज अ फ्रेशर जो भी इंटरव्यू देने जाता है, जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बट जो हमारे रिक्रूटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे पर्सन होते हैं, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए भी सपोर्ट करते हैं, सो नो नीड टू थिंक कि वो हेल्प नहीं करेंगे। इन एविएशन इंडस्ट्री सब करते हैं आपको हेल्प। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे कि किस तरीके से आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिस, ठीक है। थ्रिल टू बी जॉइनिंग दिस वाइब्रेंट कम्युनिटी विद अ बैकग्राउंड इन, यहाँ पे आपको आपका आप कहाँ से रिलेटेड हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आई एम ईगर टू लर्न, ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू आर शेयर्ड सक्सेस, एक्साइटेड टू कनेक्ट विद ईच ऑफ यू इन दिस इनक्रेडिबल जर्नी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा ही इंट्रोडक्शन बता दूंगी कि आप किस वे में पूरा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग बनाई है, बट मैं दोबारा यहाँ पे पूरे प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन भी आपको बता दूंगी, ठीक है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज़, ठीक है। योर फेलो फ्रेशर रेडी टू एम्बार्क ऑन दिस एक्साइटिंग चैप्टर टुगेदर, पैशनेट अबाउट। आपको काफ़ी चीज़ें देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने बारे में बतानी होती हैं, क्योंकि एज अ फ्रेशर ऐसा होता है कि वो आपको सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। क्यों इंट्रोडक्शन आप देंगे, आप इंट्रोडक्शन अगर शुरू में ही अच्छे से देते हैं तो आपको बहुत सारा सुनना पसंद करेंगे एंड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे, डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ग्रुप विद अ कीन इंटरेस्ट इन योर पैशन और फील्ड। आई एम हियर टू सोक इन नॉलेज, शेयर एक्सपीरियंस एंड क्रिएट मेमोरीज, ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड एक्साइटेड टू मीट ईच वन ऑफ यू। ये किस टाइप का इंट्रोडक्शन है कि आप सारा अपने बारे में बता देंगे, यहाँ पे कोई भी नेम, प्लेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन ऐड नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड योर नेम, ठीक है। माई नेम इज़ दिस, प्लेस आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। नेम, प्लेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आपने कुछ भी किया हो, लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपके ईयर्स, लाइक आपने किस ईयर में पास किया वो ऐड करना चाहते हैं, देन यू कैन ऐड हियर, ओके। नाउ थर्ड प्लेस, नेम, प्लेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नाउ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यू कैन ऐड देयर, कि आपने कोई कोर्स किया है या फिर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री की है या फिर आपने कहीं से कोई इंटर्नशिप किया है, कुछ भी किया है, तो यू कैन ऐड इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो नेम, प्लेस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड योर फैमिली बैकग्राउंड, यू कैन ऐड योर फैमिली बैकग्राउंड एज वेल, ठीक है। अगर आपको वो सुनना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली आपका पूरा इंट्रोडक्शन सुनेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आप फैमिली बैकग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव
6 family members. Like I have 5 family members. My mother is this, my father is this, and I have 3 siblings. I have 4 siblings, and आप अपने siblings के बारे में भी यहाँ पे add कर सकते हैं. ठीक है, आप एक पेज ले लीजिए, उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं नेम, प्लेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड योर फैमिली बैकग्राउंड. देन आप वहाँ पर इसको एंड कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और आपकी आपको क्या क्या पसंद है, आपके हॉबीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, देन यू कैन ऐड देयर. तो ये आपका इंट्रोडक्शन फॉर्मेट हो गया एज अ फ्रेशर. तो आप एज इन इस तरीके के वे में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. तो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ रिस्पेक्टेड सर, सर या मैम, आप यू कैन ऐड हियर. ओके, लेटर ऑन यू हैव टू से माई नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस. आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस प्लेस एंड And I have completed my 12th and 10th from this place. Okay, in this year you can add year here. Okay, now if you talk about family, if you talk about your professional qualification, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे. Like आपके उसके बाद में you can add my family background. Okay, I have 6 family members in my family. My father is businessman. My mother is homemaker. I have 3 siblings. They both are doing their study. Okay. You can talk about your hobbies. Like I like to read books. I like to do. I like to play chess. I like to play badminton. So whatever your hobby is, you can add here. So that's the simple, perfect introduction for freshers candidate and as well as experienced candidate भी इस वे में आंसर कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जिस किसी को भी नीड हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.